वेलकम टू राधे होम यूट्यूब चैनल वीडियो देखार आगे चैनल सब्सक्राइब कर भलो भलो वीडियो देखार जो हमें और खूब छोटो बलकार फ्रेंड अनिकेत तो ये हमारे कल्याण नार्सारि हे वन अफ द बेस्ट नार्सारि इन आवर डिस्ट्रिक्ट एम को गाच नहीं जानने पाव जाए ना और सब बड़ कथा एत सूंदर भाव सजानो एत सूंदर भाव एखे मेनटेनेंस कर सूंदर भाव आफ्टर सेल सार्विस মানে বলে বোঝানো যাবে না এটা আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না যাই প্রমোট করে দিচ্ছি ফ্রিতে নার্সারিতে বাকিটা ওম দেখাবে এটা হচ্ছে আমার বন্ধু এরও চ্যানেল আছে তো চ্যানেলটা বলে দে আমার নাম অনিকেত বাজপেয়ী অনিকেত বাজপেয়ী সার্চ করলে পাওয়া যায় আচ্ছা চলুন আমরা আসি ঘুরে দেখাচ্ছি ওরা আপনাদেরকে তোমার ইন্তেজারে तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जितना इंडोर प्लांट रहता है हम लोग के घर में सजाने के लिए तो उस टाइप का प्लांट अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये जो मेरा दोस्त था वो भी यहाँ पर थोड़ा प्लांट वगैरह खरीदने आया था यहाँ पर, तो उसके साथ मेरा भेंट हो गया यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा उसके साथ एक वीडियो भी बना लिया। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जितना यहाँ पर पत्ते वाला जो प्लांट रहता है घर में सजाने के लिए वो सब कुछ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आपको हर पेड़ के पास उसका नाम वगैरह उसका टैग वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को जो पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा प्लांट जो दिखाई दे रहा है, ये सब हैंगिंग प्लांट है। और छोटा छोटा जो फ्लावर रहता है घर में सजाने के लिए अपने बैल्कनी में या अपने जो गार्डन है वहाँ पर लगाने के लिए, तो उस टाइप का पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग देखिए यहाँ पर कितना छोटा छोटा सुंदर सुंदर फूल का पेड़ यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर कई तरह का पौधा यहाँ पर है, छोटा छोटा प्लांट भी है यहाँ पर, और छोटा छोटा जो फ्लावर होता है उसका प्लांट भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ठीक तरीके से इन लोगों का दाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हाई रेंज का भी प्लांट है, लो रेंज का भी प्लांट है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो छोटा छोटा फ्लावर का आप लोगों को प्लांट देख रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसका प्राइस 100 से 150 रुपया के अंदर में आप लोगों को ये प्लांट मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग तरीके का यहाँ पर फ्लावर है उसका अलग अलग रेंज है, तो उस तरीके से बता नहीं सकता हूँ मैं। तो आगे आप लोग देखिए
तो यहाँ पर इस तरीके से सेल करने के लिए पौधे को रेडी किया जाता है और फिर इसको अपने जिस जगह पे इसको रखना है वहाँ पर सेलिंग के लिए रख दिया जाता है। तो ये मैंने बाहर वाला पोर्शन आप लोगों को दिखा दिया। तो यहाँ पर एक तो छोटा सा ग्रीन हाउस है बाहर में, तो वो वाला मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर इनडोर जो प्लांट रहता है वो वहाँ पर है और वहाँ पर प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि ये हमारे मुर्शिदाबाद का एक नंबर नर्सरी है। इसका वजह ये है कि ये वाला नर्सरी इतना बड़ा है, मैं पूरा वीडियो करते करते थक गया था। तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो यहाँ पर मतलब जब एंट्री कीजिएगा तभी आपको यहाँ पर छोटा एक ग्रीन हाउस दिखाई देगा जहाँ पर इंडोर प्लांट वगैरह सेल करने के लिए रखा गया है। तो अभी इसका अंदर जब मैं जाऊंगा वहां पर सबसे बड़ा ग्रीन हाउस वहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही बड़ा है और वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट वहां पर है। और अभी मैं धीरे धीरे अंदर जाऊंगा और धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारा फ्लावर और फ्रूट का पेड़ भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, यहाँ पर मेरा छोटा ग्रीन हाउस वाला जो वीडियो था वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर और भी बहुत सारा पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।
तो मैं जब यहाँ पर गया था तो मैंने देखा कि बाहर से भी बहुत आदमी यहाँ पर आए हैं अपने घर के सजाने के लिए, प्लांट वगैरह खरीदने के लिए। और हम लोग का यहाँ पर जितना लोकल मार्केट है जहाँ पर ये सब प्लांट वगैरह बेचा जाता है, तो वो लोग भी यहाँ पर आए थे खरीदने के लिए। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का बहरमपुर में इतना बड़ा एक सुंदर नर्सरी है, तो हम लोग भी उसको देख लिए, आप लोग भी दिखा दिया। तो आगे देखिए आप लोग। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बाहर वाला जितना पौधा प्लांट था मैं दिखा दिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। और अंदर में भी बहुत सारा पेड़ वगैरह और पौधा वगैरह सब कुछ है, और बहुत ही बड़ा एक ग्रीन हाउस है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर जो इंडोर प्लांट था सब कुछ मैं दिखा दिया। तो अभी जितना फ्रूट का प्लांट है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसको अलग जगह पे रखा गया है, तो उसका भी मैं पूरा वीडियो बनाया था, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पर आए थे, तो वो आज शायद प्लांट खरीदने वाला था। तो वो मुझे बोल रहा था कुछ दिनों से कि वो बड़ा वाला नर्सरी में जाना है, तो मैंने बोला चलो आज छुट्टी है तो हम लोग जाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर एक तो वीडियो बना डाला। तो अभी जो मैंने बोला था आप लोगों को बड़ा वाला ग्रीन हाउस दिखाऊंगा, तो अभी मैं वो देखिए मेरा दोस्त जा रहा है तो उसके साथ। अभी मैं वो पहले से ग्रीन हाउस घूम के आ गया था, मैं इधर वीडियो कर रहा था। तो अभी हम लोग मैं अभी जाऊंगा, मतलब वो तो देख के आ गया, मैं अभी जाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा बड़ा वाला जो ग्रीन हाउस है उसका अंदर कितना सुंदर सुंदर पौधा है और किस तरीके से पेड़ों को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए।
এখানে দেখছেন আপনারা এখানে গ্রিন হাউস আছে, আর এই গ্রিন হাউস রুমের মধ্যে অনেক রকমের যত পাতাবাহার টাইপের যেগুলো গাছগুলো হয় ঘরের ভিতরে থাকে, যে গাছ ইনডোর গাছ যেগুলোকে বলা হয় সেগুলো এখানে দেখতে পাবেন। খুব সুন্দর সুন্দর গাছ আছে, দেখেন আপনারা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, দেখেন একবার আপনারা সব গাছগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটা একটা করে, একবার দূর থেকে দেখুন কি সুন্দর লাগছে। মাঝেই যাই কেন বলতো, এগুলো অনলাইনে গাছ। এই পাতাবাহারটা আমার ভালো লাগলো, এই পাতাবাহারটা দেখেন আপনারা কি সুন্দর, পুরো পাতাটা সবুজ আর এক একটা পাতা লাল রঙে বেরোচ্ছে। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मित्रों, इस ग्रीन हाउस का अंदर वाला जो सेटअप है वाला दिखा रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, सब कुछ का यहाँ पर फैसिलिटी है अंदर। आप लोग देखिए हर जगह पे हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आया हूँ एक नर्सरी के यहाँ पर। तो हम लोग का बहरमपुर मुर्शिदाबाद में सबसे बड़ा नर्सरी जो है ये वाला है। तो ये हमारे यहाँ पर पातलेश्वर बोल के एक जगह है, उसके पीछे में एक तो गार्डन है, वहीं पर ये नर्सरी बना हुआ है। और अभी मैं अभी ग्रीन हाउस जो है उसका अंदर अभी हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो मैंने दिखाया कि कितना तरह के यहाँ पर पेड़ वगैरह सब कुछ है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर से आके ऑनलाइन में ऑर्डर करके आप लोग मंगा सकते हैं, और बहुत ही मतलब हेल्दी टाइप का यहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलेगा। सब पेड़ एकदम हेल्दी है, पूरा हम लोग देख रहे हैं, पूरा सिस्टम वगैरह मैं देखा तो उसका भी सिस्टम वगैरह भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग देखिए आगे वीडियो को, तो अभी मैं यहाँ पर ही वीडियो को एंड करूँगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कहीं और जगह पे। तो अभी के लिए बाय बाय।